हाय दोस्तों, वेलकम टू आरडब्ल्यू रिव्यूज एंड मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं एवर यूथ का गोल्डन ग्लोब पील ऑफ मास, जो बना है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट और साथ ही में है इसमें 24 कैरेट गोल्ड। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये एक पील ऑफ मास्क है। ये आता है आपको जेल फॉर्म में। मोस्टली ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट लड़कियों के लिए बना है, पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है ये प्रोडक्ट ट्राई करते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट सच्ची में इफेक्टिव है। तो मैं सोचता हूँ कि एक रिस्क ले लूँ और ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखते हैं कि सच्ची में ये इफेक्टिव होता है कि नहीं हमारे स्किन में। मैं आपको ये लगाकर फुल्ली टेस्ट करके बता दूंगा अभी के अभी। तो मैं क्या करूंगा कि ये साइड में जो प्रोडक्ट है, आधा जो जेल है यहाँ पे लगाऊंगा, उसे प्रॉपरली जो यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से यूज करूंगा और फिर आपको सामने सामने ही मैं रिजल्ट दिखाता रहूंगा, ठीक है। और सबसे पहले ट्राई करने से पहले हम बात करते हैं इसके जो कंटेंट है उसमें। इसमें है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, इसमें 24 कैरेट गोल्ड के थोड़े बहुत एक्सट्रैक्ट और साथ ही में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जेल फॉर्म में आता है और ये दावा करता है कि ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा और आपकी स्किन का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत ब्लीच जैसे दावा करता है, पर अगर आप बोलो कि ब्लीच तो ब्लीच मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये ट्राई करके देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कैसे लगेगा ये। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ और बात करते हैं इसके प्राइसिंग के। तो ये आता है ₹115 में 90 ग्राम, जो बहुत ही मींस आप कह सकते हो इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो चलिए पहले हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये गोल्डन कलर की क्रीम जैसे फॉर्म में आ रहा है, ये गोल्डन कलर की क्रीम में फॉर्म में आता है, ये देखिए यहाँ पे। अब चलो इसे लगा दे, पहले आप फेस अच्छे से धो लीजिए फिर ही आप इसे लगाइए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हाफ लगाने वाला हूँ, ये नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा। आपको ज्यादा क्रीम नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा लेना है एट अ टाइम, ताकि आप बराबर से उसे लगा सको। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। ओके, तो आपको ऐसे ही लगाना है इसे। ये प्रोडक्ट मैंने पहले कभी ट्राई तो नहीं किया है और हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि आईब्रोज को चिटकना नहीं चाहिए। अगर ये आईब्रोज को चिटकेगा तो आपको थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, जो गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, तो प्लीज आप मत दोहराइए। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी अच्छे से ये देखिए लगा दिया है। मैं हाफ लगा रहा हूँ, हाफ नहीं लगा रहा हूँ, फिर से एक बार कहना चाहूंगा ताकि आप इफेक्टिवनेस मेजर कर सके। ये यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लगा देता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, अभी ये आप सोच रहे हो आरडब्ल्यू को हुआ क्या, लड़कियों के प्रोडक्ट्स क्यों लगा रहे हैं, पर मुझे दोस्तों ने, मेरे जो दोस्त है जिन्होंने यूज किया वो कहा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है। सो आप देख सकते हो आधा मैंने लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि ये आपको 15 मिनट तक रखना है। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद और 15 मिनट बाद इसकी इफेक्टिवनेस देख सकते हैं। ज्यादा मोटी परत मत चढ़ाइए, पतली परत ही रखिए। आपको लगे कि जहां जहां बाकी है तो वहां वहां आप ऐसे रगड़ लीजिए और देखिए क्या होता है। तो ये मैंने लगा दिया है बराबर से, आप देख सकते हो। ओके, आंखों को ज्यादा टच नहीं किया है मैंने। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद, जब ये सूख जाएगा तो आपको मैं पील ऑफ करके दिखाऊंगा। चलिए, हाय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं और ये सूख गया है जो फेस मास्क है, पील ऑफ मास्क है। दोस्तों ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने 2-3 गलतियां की, ये अभी नहीं कहूंगा, पहले फेस मास्क निकालते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं दोनों जगह कैसे है कैसे नहीं है, फिर मैं गलती मेरी बता दूंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी एक शेड को ढूंढना है और देखिए ये ऐसे निकलता है, ये ठीक है, ये अभी निकलेगा अच्छे से, ये देखिए ये ऐसे निकलना। आपको फोरहेड का एरिया पहले कवर करना है, ठीक है, आपको फोरहेड का जो एरिया है वो पहले कवर करना है। इसके बाद ये यहाँ पर मैंने एक्चुअली पतली परत चढ़ा दी थी ज़्यादा, तो ये मेरी पहली गलती थी। और यहाँ पे जो परत है वो बराबर है, तो आप देख सकते हो, देखिए जी, देखिए ये निकल रहा है। यहाँ पर गलती एक थी कि परत बहुत पतली थी और यहाँ पर देखिए ये बराबर निकल गया यहाँ पे। तो मोस्टली मेरा जो इफेक्टेड एरिया जो यहाँ का था वो सही गया रहा है, ये जो मास्क निकल रहा है वो, ठीक है। अभी देखिए ये कैसे गया,
वाह, यहाँ पे रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का मैं ब्लेम मेरे पे लेता हूँ, मेरी गलती थी कि देखो बाल भी चिटक गए जो मैंने प्रिकॉशंस बराबर नहीं लिए। तो आपको भी एक सलाह है कि यहाँ का जो मीन्स फोरहेड का एरिया, वहाँ भर भर के मीन्स थोड़ा ज़्यादा परत लीजिए। अभी नाक के इधर भी मैंने अच्छा खासा लगाया था, अभी वहाँ पे भी पील करके देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हो गया। देखिए ये हो गया अच्छे से, दोनों सगे का फर्क हम देखेगा। यहां पर भी जरा पील ऑफ करके दिखा देते हैं। जी हाँ, बाल वालों के बाल वाले एरिया में नहीं, यहाँ देखिए बाल वाले एरिया में नहीं लगाना चाहिए था, पर तो अभी टेस्टिंग करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है ये प्रोडक्ट में। यहाँ से भी निकल गया देखो, और कुछ तो था यहाँ पर। ओके तो ये देखिए, ये दोनों तरफ का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। आई थिंक सो फार सो गुड है, अच्छी तरह से निकल गया है। अगर थोड़ा बाकी भी रहेगा तो आप वॉश करके निकाल सकते हो। तो ये देखिए दोनों तरफ का फर्क, ग्लो दिखाई दे रहा है यहाँ ये एरिया में। ये एरिया में ग्लो नहीं है बिकॉज यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था। तो सच्ची में ये इफेक्टिव तो है कहना चाहूंगा। और जब मैंने लगाया तो कूलिंग इफेक्ट भी आया था, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट आने के बाद और रिलैक्सिंग भी लगा मुझे, और ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत इंप्रेस कर गया। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बहुत ही क्लीन रहेगी, नो डाउट कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और इसकी इसीलिए मेरे दोस्त इसकी तारीफ करते थे। खाली मैसी किसके लिए होगा, मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके बियर्ड है। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, इतने एरिया तक ही जाइए और नीचे मत जाइए। मैं गया नीचे तो ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम बना चला। सॉरी, सर्दी हो गई है तो आपको अलग प्रकार के नॉइज आएंगे। इसी के साथ आपको ये इफेक्टिव लगा नहीं लगा, मुझे तो ये लगा, पर मिस्टेक ये थी कि मेरे बियर्ड सी तो मैंने थोड़े नीचे ले लिए थे। एक्चुअली आपके अगर बियर्ड्स हो तो यही लेवल में ले लीजिए, और आईब्रोज से माइंड करिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये रिव्यू वीडियो या फिर टेस्टिंग वीडियो मुझे कहिए। RW रिव्यूज एंड मोटिवेशन फैमिली को सब्सक्राइब करिए ताकि आप बन सके हमारे चैनल का पार्ट, और मिस ना करें कोई भी अपडेट हमारे चैनल द्वारा। हमें पूरे करने हैं 5K सब्सक्राइबर्स, और अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है तो कमेंट्स में बोल दीजिए। अमेजोन की लिंक में ये वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ साथ इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के एंड में और साथ ही साथ साथ आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड, बाय।